हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो इसी के साथ हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हाउस का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, ये एक लग्जरी हाउस है। हाउस के चारों तरफ आपको ऑफसेट देखने को मिल जाएगा ताकि आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना आए। हाउस की डिटेल्स आपके सामने आ रही होंगी, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और जो इस हाउस का 2D लेआउट है आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका 2D का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार उसको डाउनलोड करके देख लीजिए ताकि आपको वीडियो को समझने में थोड़ी आसानी हो। हाउस के फ्रंट में ही आपको पार्किंग एरिया मिल जाता है, यहाँ पर आप दो कार अपने आराम से खड़ी कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो आपको एक प्लांटर एरिया मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम हमारे घर के लिविंग एरिया की तरफ। लिविंग एरिया में एंट्री लेते ही आपको सामने की तरफ सोफा का अरेंजमेंट मिल जाता है और एक साइड में आप डाइनिंग स्पेस देख सकते हैं। आप लिविंग एरिया का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और इसी के साथ आपको एक साइड में वैनिटी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम आ गए हमारे घर के किचन एरिया की तरफ। किचन एरिया का आप ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूलर किचन है। सामने की तरफ आपको एक बड़ी विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन की। इसी तरह का ऑफसेट हमने हमारे घर के चारों तरफ दिया है ताकि आपको हाउस में वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो। लेफ्ट साइड में आपको वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसी जगह से हमारे लिविंग एरिया की वेंटिलेशन होगी। आप चाहें आप उस हिसाब से इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको हमारे घर का कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसमें जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं और इसी टॉयलेट की वेंटिलेशन आपको बाहर की तरफ देखने को मिल जाती है। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे घर के बेडरूम नंबर 1 की तरफ। आप इसका हाउस की लुक देख सकते हैं और सामने की तरफ आपको एक छोटा सा वर्किंग टेबल मिल जाता है। आपको इसमें बड़ी वार्डरोब देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक साइड में देखें तो आपको एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इस ड्रेसिंग एरिया के साथ ही आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है। हाँ तो दोस्तों, इससे आगे चलेंगे तो आपको हमारा बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है। आप इसका बैक वॉल डिजाइन देख सकते हैं। और इसी बेडरूम के साइड में आपको ओपन स्पेस देखने को मिल जाता है और इसी साइड से इसी रूम की वेंटिलेशन होगी। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आप इसका स्टेयर एरिया देख सकते हैं। और जो स्टेयर के एक साइड का एरिया है आप देख सकते हैं, इसके नीचे आप इसको एज ए स्टोर भी यूज कर सकते हैं। और इस स्टेयर की एंट्री हमने दो साइड से दी है, एक अंदर से एक बाहर से। आप चाहें तो आप इसको रेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए दोस्तों, अभी हम हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री लेते ही आपको हमारे घर का फैमिली लाउंज देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको दो अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे।
आ गए हमारे हाउस की फ्रंट की बालकनी की तरफ। इसका साइज बहुत बड़ा है और आप चाहें तो आप इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके आगे आपको मिल जाता है एक कॉमन टॉयलेट। ये हमारा कॉमन टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर की तरह सेम रहेगा ऊपर। घर का बेडरूम नंबर 3 मिल जाता है। इसका साइज सेम रहेगा और जो इसका ओवरऑल है डिजाइन वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। इसमें आपको बड़ी वार्डरोब मिल जाती है, आप इसको बाहर से भी देख सकते हैं, आपको इसमें वेंटिलेशन की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ आपको सामने ड्रेसिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिलेगा। चलते हैं हमारे घर के बेडरूम नंबर 4 की तरफ। आप इसका ओवरऑल डिजाइन देख सकते हैं और इसी बेडरूम के साथ आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी और आपको बेडरूम में वार्डरोब के साथ सामने की तरफ एक टीवी यूनिट भी मिल जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं हमारे घर के बेडरूम नंबर 5 की तरफ। आप इस बेडरूम का ओवरऑल व्यू देख लीजिए और इस बेडरूम की खास बात ये है कि ये बेडरूम आपको सेमी ड्यूप्लेक्स मिलेगा, इसीलिए आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ। जब हम ऊपर एंटर करते हैं तो आपको सामने एक स्टोरेज रूम दिखेगा, स्टोरेज रूम के साथ ही आपको एक अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम आ गए हमारे घर के टेरेस की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छी गार्डनिंग की है, तो आप चाहें तो इस जगह को भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी।